नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे बेहतरीन शेयर जो कि आपको किसी भी गिरावट में बाय करना चाहिए। अभी देखिए निफ्टी में काफी गिरावट हो चुकी है और निफ्टी में जो वीकनेस है वो साफ दिख रहा है। अगर निफ्टी यहां पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी वीक हो जाएगा। अभी तक हम डाउन ट्रेड में नहीं, अभी सिर्फ एक करेक्शन है, लेकिन अगर हम इस सपोर्ट को तोड़ देते हैं जो कि 17,250 इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए डेली बेसिस पर। जैसे 17,250 के नीचे हम क्लोजिंग देना शुरू कर देते हैं, निफ्टी काफी वीक हो जाएगा चार्ट पर। अभी फिलहाल तीन दिन से हम इस रेंज में हैं, 17,250 और ऊपर जो है 600 इसके रेंज में है। जिस ओर ब्रेक करेंगे, अगर इसको हम ऊपर की ओर ब्रेक करते हैं तो फिर बुलिश हो जाएंगे, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक आ सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं जो कि रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, तो फिर हम स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश हो जाएंगे, मतलब निफ्टी हमारा बुलिश हो जाएगा तो ओवरऑल मार्केट भी बुलिश हो जाएगा। अभी जो ये करेक्शन है, इसी में करेक्शन में कई सारे स्टॉक्स 30% तक करेक्ट हो चुके हैं, तो अगर यहां से अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो समझिए स्टॉक्स में कितनी ज्यादा गिरावट होगी। अगर यहां पर हम बात करें जो स्टॉक्स इस गिरावट में भी सस्टेन किया हुआ है, मतलब जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है, उसमें है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं, काफी फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है और इसका जो बिजनेस है वो काफी बेहतरीन है। तो यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये स्टॉक्स ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें वीकनेस नहीं मानेंगे। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसका ये सपोर्ट रीजन भी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, 4,500। इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो इसमें कोई बड़ी गिरावट आ सकती है इस स्टॉक्स में। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और दूसरा यहाँ पर सपोर्ट लाइन भी है, तो ये स्टॉक्स अभी भी चार्ट पे काफी सॉलिड है जो कि किसी भी गिरावट में बाय किया जा सकता है। और ऐसे भी कंपनी जो फंडामेंटल रूप से भी काफी सॉलिड है, तो जो चार्ट पे साफ दिख रहा है, देखिए जो कंपनियां फंडामेंटल रूप से काफी सॉलिड है उसी के चार्ट पे वो स्टॉक्स आपको काफी सॉलिड दिखेगा। अगर के फंडामेंटल सॉलिड है तो भी मार्केट में जब गिरावट होगा, हर चीज में गिरावट होगा, हर स्टॉक्स में, हर सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट होगा। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां आपको मार्केट में गिरावट के साथ अच्छी चीजें, मतलब 20 रुपये की चीज भी 15 रुपये में मिल जाता है। तो पहला हो गया डीमार्ट, जो कि गिरावट में आपको मिले तो बाय करना है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है टाइटन, टाइटन जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है, टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है। और यहाँ पर देखिए ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है, जो सपोर्ट है 2,350। अगर 2,350 को ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हो सकती है और ये गिरावट जो है इसको 2,130 रुपीज तक ला सकता है। तो बस हमें ये वेट करना है कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक बड़ा करेक्शन देखने मिलेगा। अदरवाइज अभी जो स्टॉक्स है ऊपर जो इसका रेसिस्टेंस रीजन है वो है 2,675, इसका रेसिस्टेंस ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर हम इसका वेट करेंगे ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है निश्चित रूप से एक बड़ा करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। ये दो स्टॉक्स है जो कि मैंने आपको इस गिरते हुए मार्केट में आपको बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है, और ये स्टॉक्स को तभी बाय करना है जब मार्केट में करेक्शन खत्म हो जाता है। मार्केट में जैसे करेक्शन खत्म होगा तो ये स्टॉक्स आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा, और साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। देखिए आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, स्टॉप लॉस हमेशा मैंडेटरी है। तो यहाँ पर अगर आप ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता बाय करते हैं तो इसके जस्ट नीचे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस 50 रुपीज का रखना है। उसी तरह से डीमार्ट में भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको 4,500 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।